नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं 12th पॉलिटिकल साइंस का एक फ्रेश टॉपिक जो इस साल आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। वही टॉपिक जो हमने, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में यूनेस्को, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेफ। तो ज़्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं, बस हमें कुछ मेन पॉइंट्स में देखने हैं। शॉर्ट वीडियो है ये भी आप सबके लिए। तो देखिए इस वीडियो में क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि पहले तो आप सभी जान लें फुल फॉर्म क्या होती है यूनिसेफ की। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। और इसको इस्टेब्लिश कब किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था आपका 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज अ बॉडी हुज मेन टास्क इज टू फाइट। इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो यूएन की जनरल असेंबली ने किया था। और इसका मेन टास्क क्या है, इसका मेन टास्क है एमरजेंसी फंड्स को कलेक्ट करना। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, करना एमरजेंसी फंड्स को कलेक्ट करना। किसके लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, टू हेल्प इन देयर डेवलपमेंट, उनके विकास में और उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, बच्चों की शिक्षा से लेके हर एक चीज़ तक की हेल्प करने के लिए यूनिसेफ जो है वो एमरजेंसी फंड्स को इकट्ठा करता है, ठीक है। यूनिसेफ हेल्प्स एंड इनक्रेडिस द वर्क डैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ, ठीक है। जो यूनिसेफ है वो ऐसे लोगों की मदद करता है और ऐसे लोगों को इनक्रेज करता है जो लोग या जो संस्थाएं जब बच्चों की हेल्थ और बेटर लाइफ के लिए काम करना चाहती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक तरह से ये पूरी जो संस्था है यूनिसेफ आपकी, ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है आपकी। ये जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है इसका, यूनिसेफ का, वो है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में स्थित है आपका। यूनिसेफ हैज़ बिन वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट ऑल 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व की 193 कंट्री में अभी तक ये अपना काम कर रहा है और बहुत सही से काम कर रहा है। पूरे विश्व के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन सब की देख रेख करना इसका एक मेन टास्क है, ठीक है। तो अब सवाल बनता है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो भाई ये सवाल जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है या 1 मार्क्स में, जहाँ पूछ सकते हैं आपसे कब एस्टैब्लिश हुआ था, फुल फॉर्म क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। इसी तरीके से बेटा हम लोग अपने सारे कंसेप्ट पूरे करेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस के। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें।